हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अनवांटेड 72 या फिर आई पिल लेने के एक घंटे के अंदर अंदर अगर आपको वॉमिटिंग उल्टी आ जाए तो क्या आपको इस टैबलेट को दोबारा लेना चाहिए या फिर इस टैबलेट ने काम कर दिया होता है इतने टाइम तक। बहुत ही हेल्पफुल ये वीडियो है, लास्ट तक जरूर जुड़े रहें हमारे इस वीडियो में। वीडियो शुरू करें उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार हमारा चैनल देख रहे हैं तो जरूर इसे सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन है उसको भी जरूर प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि हमारे जो भी हम आगे ये वीडियो अपलोड करें उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, आपसे वीडियो मिस ना हो, क्योंकि इसी तरह के हेल्पफुल टॉपिक हम अपने चैनल पे डेली लेके आते हैं। आई पिल या फिर अनवांटेड 72 लेने के एक घंटे के अंदर अंदर अगर हमें वॉमिटिंग हो गई है तो क्या हमें इस टैबलेट को दोबारा रिपीट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। देखिए, ये टैबलेट आपके शरीर में जाके दो घंटे के मैक्सिमम दो घंटे के अंदर अंदर अपना काम कर देती है। इसके अलावा अगर आपको एक घंटा या फिर डेढ़ घंटे के अंदर वॉमिटिंग आ गई है तो आपको इस टैबलेट को दोबारा रिपीट कर लेना चाहिए क्योंकि इसने काम नहीं किया होता है इतने समय तक। इस टैबलेट को दो घंटे तक यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा दो घंटे तक एब्जॉर्ब होने में समय लग जाता है। अगर आपको एक घंटे में, आधे घंटे में या फिर डेढ़ घंटे में वॉमिटिंग आ गई है तो आप इस टैबलेट को दोबारा रिपीट कीजिए क्योंकि इस टैबलेट ने तब तक काम किया नहीं होता है अगर आपको जल्दी वॉमिटिंग आ गई है तो। आज के लिए बस इतना ही। और भी कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो नीचे हमें कमेंट में लिखिए, चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा, हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि औरों को भी इससे हेल्प मिले। हम मिलते हैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।